नहीं, वो बात सच नहीं है. मतलब जहाँ तक सारी चीज़ें बाहर आ रही है और सारे शक आकाश पे जा रहे हैं, बट आकाश अंजुर मिलने के बाद में इमली पे ब्लेम डाल देता है और इमली एक्सेप्ट कर लेती है. सो इन अ वे मैं डाउट में हूँ कि ये सब किया किसने. ओके मैम, एक सीन हुआ था जहाँ पे आकाश आपकी बेटी को मारने की कोशिश करता है. वो अंजुर को मारने आते हैं और तब उनका असली चेहरा मेरे सामने आ जाता है कि यही है वो जिन्होंने सब कुछ किया है. तो वहाँ से शुरुआत होती है उनके गुनाहों को सबके सामने लाने की. और मैं उनको रोक देती हूँ, अपनी बेटी को बचा लेती हूँ, मैं उनको बाहर लेकर आती हूँ. पता चलता है ना कि स्टोर रूम है जहाँ पे नहीं देखा गया था और जहाँ पे आकाश गया था, तो उन्होंने बंद किया होगा अंजुर. तो हम जब स्टोर रूम जाते हैं और हमको अंजुर वहीं मिलती है. सबको बता दूंगी कि उसने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली सबको मुझ पे भरोसा करना होगा. तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. वो तो है कि आप आकाश का पर्दा फाश करेंगे, पर कहीं ना कहीं इमली हमेशा रॉन्ग वे में जाती है, हमेशा ही रॉन्ग करती है कुछ ना कुछ. और इस बार उसकी आंखों में आंसू, तो क्या फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे आपकी बातों पे? मैं इमली की साइड नहीं ले रही, क्योंकि मैं खुद इमली को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ अभी. लेट्स सी अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ या नहीं, क्योंकि उसने इतना कुछ किया मेरे साथ कि मुझे लगता है कि मैं उस पर भरोसा ना करूँ. पता नहीं आई डोंट थिंक सो. अभी जितना किया है उतना ही पता है मुझे, उसके आगे क्या करने वाले पता नहीं है. Okay,